फिल्म को शुरू करने से पहले मैं हारून तौर पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में दिखाई हुई ए टू जेड चीज़ें फिक्शियस है, यानी कि काल्पनिक है, यानी कि चुप चुप के, यानी कि डुप्लीकेट, यानी कि फेक है, समझ गए ना। और हाँ, इस फिल्म का एम, इस फिल्म का पर्पज़ सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट करवाना है और कुछ भी नहीं। अगर इस फिल्म के किसी भी सीन से किसी को भी तकलीफ होती है तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है तो उसकी माँ का समझ गया ना। पूरा सोना मेरा है, पूरा मेरा है, सबको मार डालूंगा मैं, मेरा सोना है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा सोना, मेरा सोना, पूरा सोना मेरा है। सबको मार डालूंगा मैं, कोई नहीं बचेगा, पूरा सोना मेरा है। जा, मैं तुझे मार दूंगा, जा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तू क्यों आया? ये मेरा सोना है, मैं किसी को नहीं दूंगा। जा, जा, मैं तुझे मार दूंगा, मेरा सोना, जा यहाँ से। कौन है ये पागल?
क्या कर रहा है ये इधर? क्या है ये जंगली खदान? कौन सा सोना? कौन है ये इमरान? हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? ऐसे सवाल आप सभी के मनों में चल रहे हैं ना, तो चलिए इस सारे सवालों का जवाब मैं आपको बताता हूँ। ये जानने के लिए आपको पूरा फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म का नाम लालच क्यों है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही समझेगा। तो चलिए जानते हैं कौन है ये पागल और इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। मैं कम सर? यस कम इन। सर वो जो कॉल किया था रात में वो मैं था सर। ओ आई सी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। से व्हाट्स ब्रिंग यू हियर? सर एज आई टोल्ड यू लास्ट नाइट आई विल बी हियर। आई एम हियर विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब सर। हियर इज माय डॉक्यूमेंट। ओ सर आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन कंप्यूटर साइंस सर। वेरी गुड। एंड आल्सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल कंप्यूटर कोर्सेस सर इंक्लूडिंग एमएससी आईटी टैली डीटीपी फोटोशॉप सर। मैग्निफिसेंट, वेरी नाइस। एंड सर आई गॉट ब्लैक बेल्ट इन शोटोकन कराटे डू एसोसिएशन। ब्लैक बेल्ट इन कराटे, नाइस मैन। यस सर। यू आर? थैंक यू सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। सर अगर ये जॉब मुझे मिल जाती है सो इट विल बी अ मेगा एप्लीकेशन सर। ठीक है, वेरी गुड। हमें आप जैसे लोगों की नीड है। एक्सेलेंट सर, नाइस टू मीटिंग यू, नाइस टू सी यू, ग्रेट मैन। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यू मे कम फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हे वेट 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 वेट, व्हाट सर, व्हाट हैपन? कल आते समय 2 लाख रुपए लाना ना भूलना, ठीक है? 2 लाख रुपए किस लिए सर? किस लिए? जॉब के लिए भाई। मैं कुछ समझा नहीं सर। जॉब चाहिए ना, पैसा देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए सर? आप मेरे एबिलिटी पे मुझे जॉब हायर कर रहे हैं, मेरे पैसों के पावर पे सर? क्या मैं जान सकता हूँ एबिलिटी? अरे भाई कौन से जमाने में जी रहे हो, ये 2023 है, यहाँ पे एबिलिटी नहीं चलती, सब काम पैसों से होता है। पैसा है तो कल आना वरना यू मे लीव। बट सर इतने पैसे मैं कहाँ से लूंगा? वो मैं नहीं जानता, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है सर। प्लीज गेट लॉस्ट। और फिर पैसों की कमी और घर के बुरे हालात को देखते हुए हारून दवाई पर पढ़ाई छोड़कर काम करने लग जाते हैं, जैसे कि प्लंबिंग वर्क, टाइल्स वर्क, सेंटरिंग वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अमावस आने वाली, अमावस आने वाली है। इस अमावस के चलते ही मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान देवता बन जाऊंगा। तो ये है हमारे लाला सेठ का गोडाउन, और ये रहे उनके प्यारे मजदूर, चहीते मजदूर, जिन्हें लाला सेठ बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मजदूर दिन रात गोडाउन में मजदूरी करते हैं और लाला सेठ का कोठा भरते हैं। बेचारे ना भूख की परवाह करते हैं, ना प्यास की परवाह करते हैं, सिर्फ काम की परवाह करते हैं। और ये रहा हमारे लाला सेठ का खचाखच भरा हुआ गोडाउन। जी हाँ, यही है गोडाउन लाला सेठ का। ये रहे बाकी मजदूर उनके। मजदूर बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं लाला सेठ से। और ये रहे हमारे हारून द वाइपर। जी हाँ, छोटे मोटे काम कभी ना करने वाले हारून द वाइपर आज कर रहे हैं लाला सेठ के गोडाउन में हम्माली। पहले उन्होंने किया टाइल्स का काम, फिर प्लम्बिंग किया, अभी मिस्त्री, और ये रहा लाला सेठ के पास। लाला सेठ इतने रहमदिल इंसान है, हारून द वाइपर की परेशानी सुनकर उन्होंने उनको एडवांस दे दिया। और चलिए अभी देखते हैं कहानी में लाला सेठ और उनका प्यारा सा किरदार। छोटू पानी ला, पानी जल्दी ला, जा जल्दी पास। शबास, हे क्या हो गया राइटे? ऐसे कैसे हो? अभी ठीक है? हाँ, मुंह पूछ ले। पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं भाई, कभी नहीं हुआ। आधे समय नाश्ता किया था। क्या नाश्ता यार, जब से लालक पास साठ मार लिया हूं सुबह शाम काम, दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं। एक बार ये लाला सेठ से लिया एडवांस दे जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही बात है यार, चलो उठ। जी ना हराम। अभी कैसे? ठीक है ना, एकदम राइट है सर? ठीक है जी। ए चलो, अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो अरे अरे चौकी मत, यही है हमारे चहेते प्यारे लाला सेठ। जी हाँ, जिनका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए देखते हैं इनके अच्छे कारनामे की एक मिसाल। देख तेरा काम हो जाएगा अभी, फिर अपने पास मजदूर भी। तू कभी से काम कर रहा है? 7 साल हो गए यार, लेकिन ये 7 साल मेरे लिए 700 साल के बराबर है। बहुत परेशान हो गया मैं, क्या बताऊं। ठीक है बैठ, अब तुझे क्या बताऊं कि ऐसी परेशानी में तो मैं फंसा हूं। मैंने भी काफी एडवांस ले लिया। चलता है रे, उतना टेंशन नहीं लेने का। रो रहा है तू? नहीं। अरे छोड़ ना यार, मुंह पोछ चल। क्या ऐसे औरतों की तरह रोते रहेगा? नहीं यार, शेफत के तरह कमाल गया यार। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेता हूँ। रुक रुक, वो मालिक आएंगे तो फिर तू जल जाएगा, मैं खुद जाके पी के आता हूँ। अरे मैं ला लेता हूँ। नहीं, नहीं, मैं पी के ला लेता हूँ। ठीक है, जाओ। ये देख, हाँ बढ़िया हुआ। और
कोई टेंशन की बात नहीं है। साले काम करने आया है क्या? तेरे बाप की शादी में आया है? सेठ बहुत देर से काम कर रहा था तो अलग सूख गया था, तो पानी पीने आ गया था। अच्छा बेटे मेरे से झूठ बोल पाए? नहीं सेठ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पानी पीने आया था, बहुत देर से काम कर रहा हूँ, हल्का सा चक्कर भी आ गया था। ओ सेठ, मारते क्यों उस बेचारे को? तुमको पता भी है वो पानी क्यों पी रहा है? तो तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? ऑल मजदूर यूनियन कम्युनिटी का लीडर, नाम है मेरा हारून द वाइपर। ये साला काम करने के बजाय पानी पिए जा रहा है। हाँ तो पानी तो पिया ना सेठ, तुम्हारा खून तो नहीं पिया ना? चुपचाप अपना काम कर जा। ठीक है सेठ, मैं करता हूँ अपना काम, लेकिन उससे पहले मेरे से एक वादा करो कि आज के बाद तुम इस पर हाथ नहीं उठाओगे। ठीक है, चल वादा करता हूँ। ठीक है, मैं इसको तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तेरे को तो मारूंगा। अरे अरे एक मिनट, एक मिनट, वो बताओ रे कि तुम हैवान हो, इंसान नहीं? क्या बकरा है तू? हाँ, क्योंकि अगर तुम इंसान होते तो ना उस पर हाथ उठाते और ना मुझ पर हाथ उठाने की बात करते। क्या बकरा है तू? तेरी तो ए सेठ, इज्जत दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि तू इज्जतदार है। अगर तू सेठ है ना, तो अपन भी बाप है तेरे जैसे सेठों का, समझा गया? अच्छा बेटे, मैं क्या हूं सारी, निकाल मेरे एडवांस पैसे और चल निकल यहां से, चल। तीन दिन के अंदर अंदर तेरा पैसा तेरे को मिल जाएगा, समझा गया? और हाँ, दफा करने की मेहरबानी मुझ पे मत कर, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूं। करना भी नहीं है तेरा फटीजर काम। हाल ए लाला सेठ, एक और बात, आइंदा में किसी मजदूर के ऊपर हाथ भी उठाए ना, तो इतना मारूंगा कि मार मार के मार डालूंगा, समझा गया? बोले तो बहुत ही महंगा रे।
हेलो भाई, अभी हाइपर मोड में है, अभी बात नहीं हो सकती, चल रख फोन। ये साला क्या बार बार फोन कर रहा है। हेलो भाई, भाई लाला फोन। हाँ बोल लाला। हाँ जावे, किधर है तू? अरे तेरी आवाज इतनी दबी दबी क्यों आ रही? मेरे होते हुए तुझे किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या तू भूड़ा है? मौत का सौदागर यानी कि मैं जावेद चिंगारी, दुश्मन पर नहीं उसके पाप पर भी भारी। वो सब छोड़, होटल राज रसो में आजा पहले। ठीक है लाला सेठ, पहुंच रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मुझे और कुछ खाने की मोहलत दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। क्या छोटे, दे दो इसको कुछ मोहलत। हाँ भाई दे दो दे दो। 5 4 3 2 1 चल खेल खत्म। अरे यार फिर से, एक सेकंड। क्या भाई, सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे इसको। हाँ 5 सेकंड, वो भी उस्मान के कहने पर, वरना मैं मेरे दुश्मन को 1 सेकंड भी नहीं देता। चल ए, उठाकर फेंक दे इस लाश। हाँ बोल लाला, कैसे याद किया मुझे? बोल लाला, क्या हो? बोलेगा भी कुछ या सिर्फ पीते रहेगा? स्वाइपर के बच्चे की तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। वाइपर? कौन वाइपर? वही जो खुद को मजदूर कम्युनिटी का लीडर बताता है। कौन वो? तेरा नौकर? उसकी इतनी हिम्मत, उस साले को तो मैं अभी बता। रुक जावेद, अगर उसे मारना ही होता तो मैं गोडाउन में नहीं मारता उसको। तो बोल क्या करना है उसका? उसे तो मारना है, लेकिन तड़पा के नहीं, तड़पा तड़पा के मारना है। पर वो कैसे? उसकी एक कमजोरी है, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? बीएफके को जानता है ना, वो अपना एक्टर। तीन दिन के अंदर तेरा फसल घूमना चाहिए।
अंदर तेरा पैसा तेरे को मिल जाएगा, 3 दिन के अंदर तेरा पैसा तेरे को मिल जाएगा। पर क्या हाल है पटे? हाल तो बहुत बेहाल है यार। दूर है, क्या हो गया तुझे बता तो क्या फायदा? दर्द दिल तो सिर्फ दिलदार को बता जाता है, हम दर्द यानी कि सच्चे दोस्त को। तुझे बताकर क्या फायदा? तू नहीं समझेगा, तू रहने दे। और तेरी पढ़ाई का क्या हो गया? छोड़ दे हमारी पढ़ाई। और वो तेरी जॉब जो लगनी हुई थी क्या हो गया? नहीं करना है मुझे जॉब, कुछ नहीं करना है मुझे, छोड़ दे हमने सब। पता चला है तू गोदाम पे काम कर रहा है। हाँ, उसी गोदाम पे अगर तू काम करता था ना पहले से, तो आज उस गोदाम का मालिक होता। जे देख, मैं अनपढ़ फिर भी लाखों कमा रहा हूँ, और तू पढ़ाई लिखाई करके फिर भी वही। ये देख, जानता है तू जावेद चिंगारी को, बसमत का फाइनेंसर, उसका राइट हैंड हूँ मैं। क्या पता है तुझे, लाखों कमा रहा हूँ मैं, क्या फायदा रे तेरा पढ़ाई करके? हाँ, और तू पढ़ाई करके भी कुछ नहीं। देख मुझे, मैं कहा और तू कहा? बस यही छोटे मोटे काम करते रहे तू। आप खाने का मजाज कुछ और रहता हो? हाँ, जेब में फुट्टी कौड़ी ना, वो का चिप्स का पैकेट था। खैर रे बड़ा, तेरे काम बता दो। पेट दुखता है मेरा, कैसा बच्चे को चुरा के लाया। अरे बोलता, आप क्या तुम देख रहा, कैसा कर दे नजर लगा रहा। अरे बोल रहे क्या हुआ? दूसरे नजर लगाए थे पेट में, रात को। अबे साले, बोल साले, बोल क्या देख रहा, बोल पहले, बोल क्या देख रहा, बोलता नहीं। अरे छोड़ो यार, छोड़ो, ये वाला चको है लो, चको इसको। क्या है रे, चक के देखो तुम।
दिया के उतारे चकने का सिरिया देखो ते पूरा कौन खाओ बोला तो चकत ना मैं भी चकना बोल दे इसको ऐसे चक तो मैं अरे अब बाप माँ की अलग साला कैसा तो पोटे पर ले लेके आया था खा लिया पूरा वो सब छोड़ रहे तू मेरे को भी देख रहा था वैसा वो बोल पहले अबे साले एक तो तेरी सूरत पहले से उजाड़ आज तो ज्यादा उजाड़ दिख रहा क्यों ऐसा सही बोला मेरी सूरत उजाड़ है नहीं रे भाई ऐसे ही बोला था वो तो परेशान दिख रहा था ना इसके वास्ते बोला आज क्यों परेशान दिख रहा था क्या बोलो रे भाई मेरे देखो क्या हुआ दुनिया की पढ़ाई कर लिया बैगन भी जॉब लग रही नहीं जहाँ जॉब लग रही वहाँ पैसे लग रहे घर के हालात दिन पे दिन बिगड़ रहे भाई बिगड़ते हालात को देख के मेरे को छोटे मोटे काम करना पड़ रहा जहाँ भी जा रू लोग ताने मार रहे भाई बोल रहे कि ये साला तो देखो पढ़ रहा था ये बनने वाला था वो बनने वाला था फलाना बनने वाला था अब देखो मिस्त्री काम कर रहा दिन आराम कर दिया रे लोगों ने ताने मार मार के अरे बाप रे मेरे मुंह की बात छीना भाई तूने क्या होते क्या सेम गणित ऐसी बात मेरी क्यों रहते हो क्या जहाँ भी जा रहा ये देख टाइल्स का काम करने जा रहा ये देख लेबर जा रहा क्या बाप बहुत परेशान हो गया समझ नहीं आ रहा मेरे भी अब क्या करना तो वस्ता देख बीच का रास्ता निकाल रहा भाई बीच का रास्ता बोले तो क्या रहोगे कुछ शॉर्टकट अमीर बनने का अरे ऐसा होता रहता है पिक्चरों में तो क्या लगा जीवन बात मत कुछ भी अरे नहीं बाप रहता यार अरे भाई कुछ भी हो जाए इमरान ये कारागिरी है मिस्त्री कारागिरी है टाइल्स कारागिरी है प्लम्बर का कारागिरी तो सिंधा भी नहीं बनने का अरे नहीं तू भी नहीं बनने का भाई भाई कुछ बीच का रास्ता निकाल भाई 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 कुछ शॉर्ट रास्ता निकाल भाई अरे शॉर्टकट वाले कुछ नहीं रहता सब पिक्चरों में रहता है क्या लगा बोलने के बाद नहीं नहीं यार भाई शॉर्टकट रास्ता देख यार भाई अरे कुछ नहीं रहता अरे भाई ऐसा क्या लगाया चल अरे मियाँ निकाल बीच का रास्ता अरे क्या लगा यार कुछ नहीं रहता सर अरे शॉर्टकट अभी बनने अरे हौले का मना तो करूँ मैं तेरे को बोलूँ नहीं रहता बोल के समझते जाना अरे रहता यार अरे चल रे भाई तेरा दिमाग गर्म होगा तेरे को चाय पी लो चल चाय कितने पैसे तेरे पास अरे घर पे मेहमान आते भी जाते समय छोटी बहन के हाथ में पैसे दिए थे मार लिया भाई अरे 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 तो बात तो चोरी करना अच्छी बात है क्या मैं ठीक है दे तुम्हें पैसे मैं क्या करने का अरे नहीं 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 ऐसे कितने मारा 10 मार लिया मैं जाए तो मार रहे यार थोड़े अभी तो बड़ा चोरी करना अच्छी बात नहीं अब ज्यादा मारना था बड़ा अरे नहीं नहीं चल चल वाह भाई वाह चल चल अरे भाई चाय लो दो हेलो शान बाबू तुम्हारे को मालूम हो क्या जंगली गधन के पास सोना है गधे हाँ वो सोना बहुत है वहाँ पे वो निकालने के लिए दो बात रात में लग रहे करते और साथ में अघोरी की मदद भी लग रही करते तो हाँ हाँ ठीक है हाँ ना हाँ कल चल जाएंगे बोल रहा हूँ मैं जंगली खदान के पास बहुत सोना है वहाँ पे हाँ ठीक है मैं कॉल करता हूँ तुमको कल निकल लेंगे अपन दोनों हाँ ठीक है चलो रखता हूँ फोन फिर ठीक है We'll be right back.
सोना इसमें भर के लेके आऊंगा, वही पूरा मेरा है। अरे चल रहे कब चुप, क्या लगा है? मिलन तो दे रहे। सोना क्या रे, जंगली खदान बोल के ये कौन से खड्डे के पास लेके आ गए? अरे खड्डा नहीं, किस्मत चमकाने वाली खदान है, वो ये खड्डा है। वो ये जगह है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ? आओ आप, ये जगह है वो। सोना कहाँ है रे? सोना है, सोना सोना सोना, मेरा सोना, मेरा सोना, सोना ज्यादा सोना गए रे। हाँ दादा, इधर 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 इधर, क्या ढूंढा वहां पर? सोना। अबे साले, वो क्या तेरे बाप की तुझे का सोना कह रहे जो तेरे को ऐसा ऊपर मिल जाएगा? हाँ रे। अरे क्या मियाँ, बाप भी पूजा जान दे, बाप जा रहा हूँ जान दे। अरे अरे नहीं नहीं, अरे मजाक करा रे मैं, तू मेरा छोटा भी नहीं किया, छोटे को कितना भी नहीं बोल सकते, मैं छोटा ऐसा कर रहा। सही बोला, मुझे मार। नहीं तू मुझे मार। कहीं गुरे, तू मेरा बड़ा भाई है दादा, तू तू मार मुझे मार। उतना एक्साइट नको हूँ, जब वो सोना मिल जाएगा ना तेरे हिस्से का थोड़ा सा सोना मेरे को दे दे। दादा नहीं दादा, सोना मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। कौन सा सोना रे ये जमीन में का सोना तेरा है? हाँ जमीन में। कैसा निकलता है? अरे ये तो सोचा ही नहीं यार मैंने, ये सोना तेरा है ना? हाँ। अब ये सोना निकालने का मेरे पास है, तेरा ना, जाके ले ले जा। अरे दादा 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 नहीं ना दादा, क्या छोटा भाई ना भाई, छोटा भाई। हाँ लौंडा, मेरी डायरेक्ट मेरे को चुप करा, एक बार सोना मिला दे, क्या छोटा कौन बड़ा सब बता तू। दादा क्या कुछ कर रहा उधर? कुछ नहीं रे, तेरे को माफ कर दिया बोला। ये दादा तेरे पास आइडिया बोला था ना तू? का एक आइडिया रे, सोना निकालने का। अरे हाँ वो बोल बोल बोल, क्या है बोल? तो आइडिया ये है, बोल 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 रे, कैसा निकाला रहा सोना? कब से डाउन पड़ा कर रहा है ये सोना, ये वो मेरे को मेरा सोना आरोप समझा दे रू मैं। यहाँ पहले मेरे को मेरा सोना होना, सोना होना मेरे को, मेरा सोना इमरान, वो बंदे ने दो बातें बताया अपने को। सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि ये सोना निकालने के दो बहादुर आदमी लगते, दो बहादुर आदमी तो अपन है, वो दो बहादुर अपन है। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि ये काम को अंजाम देने के अघोरी साधु की मदद लगती बोला रहे हैं। अघोरी कहाँ से लेंगे लोग? क्या रे भाई, ये टेंशन वाली बात हो गई। अब दादा समझा रू, सोना मेरे को होना होना बोल। अरे खैर रे, क्या लगा तो पहले टेंशन है, दिमाग खराब कर रहा है। सोना मेरे को ना, सोना मैंने कौन सा सोना रे? दादा ये सोना यार, साला एक परेशान किया दूसरी परेशान है, कैसा तो भी सोना निकाली बोले तो अब घरियों को लाओ करते, कहाँ से लाने रखो है वो? समझ नहीं आ रहा भाई। अरे बाप, कैसा भी शॉर्टकट अमीर बनेंगे बोले, परेशानी परेशान है रही आप कैसा? मेरे को भी समझ में आ रहा है, क्या तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं यार, अमीर तो बनना है अपने को। चल रे बाप, अमीर बनने का दूसरा रास्ता नहीं, चल अमीर बनने के बहुत रास्ते अपने पास, चल कोई और ढूंढ लेंगे। अरे वो अपनी काली कोट की खंडर जमीन देख, उसके पीछे एक छोटा शमशान घाट देख,
हाँ। परसों मैंने दो अघरियों को देखा वहाँ पे। अपना काम बंदा मिया? क्या बात है यार। एक काम कर तू, कल रात 10 बजे वो अघोरियों के पास जा, तू जाके उनको सारे बात बोल, सच्चाई मत बोलू, खाली उनको घुमा, खाली पटा उनको, समझा? कल रात 10 बजे पहुंच तू, मैं आता वहां पर। अम्मा मेरी, रात 10 बजे और मैं वहां जाऊंगा? अरे बाप, मैं पीछा भी आती ना, मैं घर में इसको उठाता हूँ, और रात 10 बजे आने की बात कर रहा है तू, तू भी साथ चल। देखो सोना होना कि नहीं होना, सोना होना, सोना पाने के वास्ते कुछ तो भी खोना पड़ता, समझा ना? तो मैं मरूं फिर? नहीं 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 रे दादा, जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। खैर भाई, हाँ शोएब, कहाँ है? एक काम कर तू, मुझे 9 बजे मिल मुझे, ठीक है? दादा इसे बड़ा रख के तू, ठहर जा, इसे कहीं लोइंग है क्या? बस इनको लेके जाएंगे साथ में, इनके साथ तो जाएंगे ना? ठीक है, हाँ दादा। हाँ तू पहुंच, मैं आता हूँ। ठीक है दादा, और तू क्यों नहीं आ रहा रे? अरे हौले, तू वो काम कर, और जब तक मैं घर पर जाके खो रहे पिकासा सब बोला सब ले ले क्या तू रे, समझा ना? हाँ ठीक है, ज्यादा निकलते निकलते सुन अब क्या हो रहा है? यार से बड़ा थैला लेके आना, उसे भर भर के लेके आएंगे। तू निकल, मैं निकल, तू निकल। अरे अरे मेरे जूते, तू तू निकल, तू निकल, तू निकल जा। एक काम करता हूँ, तू बैठ नीचे। बाबा की जय। ए मूर्ख मूर्ख बालक, बाबा तपस्या कर रहे दिख रहा नहीं? ए मूर्ख, कौन है तू? तूने मेरी तपस्या भंग की। बाबा मैं बहुत बहुत समझ आता हूँ, बात है ऐसी, आपकी मुझे तपस्या भंग करना पड़ी, हमें आपको मदद चाहिए। कैसी मदद? एक औला तुम्हें, ये इमरान भी कहां मर गया? कल से गया, फोन भी मन मत आ रहा। आ जाएंगे, ये पेपर आज का है क्या? हाँ भाई आज ही का है। ठीक है चलता, हाँ हाँ मिलता बाद में। ठीक है भाई, ठीक है। ये इमरान को उधर भेज के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया? समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ, कहीं वागोरे ने इसका खेल तो नहीं कर दिया? दिमाग गुम हो गया एकदम। क्या है न्यूज में जरा पढ़ेंगे आप? क्या छाप रहे कुछ भी, दुनिया के झूठे न्यूज़ छप रहे आजकल। ये क्या न्यूज़ है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और पाइए लखपति बनने का मौका। क्या क्या क्या, क्या? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और पाइए लखपति बनने का मौका। हाँ? अभी ये प्रश्न का उत्तर तुम्हें को आता है?
इसका मतलब मैं शॉर्टकट अमीर। क्या बात है, शॉर्टकट अमीर भाई, क्या बात है। अबे साले, लाखों की न्यूज तूने सेकंड में भर दिया। लाखों की? अबे हमारे करोड़ों की न्यूज लेके आया और तू लाखों की बात कर रहा है। करोड़ों की कौन सी न्यूज है? अब रिपोर्ट आ क्या गया भाई, क्या बात कर रहा। हाँ गया था तो, हाँ जा गया। खुला खुला सब बोला था नहीं ना उनको? नहीं 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 बोला कुछ भी। चल चले, चल आप जाएंगे अपन दोनों मिलके और सारी बातें बोलेंगे उनको। चल पटक से। क्या स्वामी जी? स्वामी? हाँ स्वामी। चल 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 ठीक है। चल स्वामी जी बाबा का धागा है रे। अब ये धागे के होते हुए अपने को वो अघोरी को क्या उसका बाबिया का ना डरने की जरूरत नहीं अपने को, समझा। मूर्ख बालक वही रुक जा। आगे बढ़ेगा तो भस्म हो जाएगा। अरे मुंह, पिछली बार जब मैं आया था तो दूसरा था रे, इन्हें कौन सी दूसरा दिख रहा। अरे मैं भी आया था, दूसरा था, ये कौन है की? पूछो क्या इसको? पूछ पूछ पूछ। बाबा की जय हो। बाबा जी, पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे तो आप नहीं थे, और आ जाए तो आप ऐसे कैसे? आप कहाँ से आए बाबा जी? कामरे ना के इमरान खाली पीली कुछ भी पूछने लगा रहा है, कुछ कोई पढ़ा कर लगा रहा है उसको। चुपी हाँ, मैंने कब बोला? तूने बोला कुछ बोल के अभी। अब वो मेरी चप तक गिर बैठा। अरे कहीं कुछ पूछ रहा रे? अरे ऐसा क्या पूछ दे रहे हो, तेरे सामने पूछा जो पूछा तो देख कैसे भूल जाएगा। देख तुम लोगों को सोना निकालना है ना। हाँ तुम सोना निकालने के लिए यहाँ पर आए हो। अबे साली तूने बोल दिया सब कुछ। अबे नहीं बोला मैं। तो फिर इसको कैसे मालूम? क्या पता, पूछोगे इसको? पूछ पूछ। बाबा जी आपको ये बात कैसे पता? निकाल। हाँ ये पूरा निकाल। क्या निकाल बोला? नहीं क्या जी बाबू, लंबा निकाल। हाथ में दे। ये क्या बहुत महाशक्ति वाले बाबा दिख रहे हैं। चुपचाप खड़े रहे बना। मेरा कुछ भी वाइफ कर दीजिए। क्यों लाया मेरे को इधर तूने पागल? अरे सोना चाहिए ना अपने को। सोना चाहिए? सोने के लिए खोना पड़ता, जान नहीं खोने की बात करा था मैंने तेरे को। क्यों लाया इधर मेरे को?
कोई आम इंसान नहीं, मैं अघूरी हूं। अघूरी, मैं कोई साधारण अघूरी नहीं हूं। तू जानता है क्या बाबूजी? मैं हर अमावस की काली रात को मेरे बड़े गुरु को बच्चे की बलि चढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शक्तियाँ मिलती है और मैं अमर हूँ। पहले मैं वो था, आज मैं ये हूँ, और अभी मैं तेरा भी रूप धारण कर सकता हूँ। करके बताऊं करके? नहीं बाबू जी। रहने दे, तुझे सोना निकालना है ना? जी जी बाबू जी, तेरा काम हो जाएगा। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। लेकिन जी बाबू जी, जी बाबू जी, उससे पहले तुझे 3 बलि देनी होगी। 3 बलि देगा बाबा? 3 बलि तो दूर, हम लोग एक भी बलि नहीं दे सकते जी, और कोई उपाय तो बोलो। हाँ जोर रे, बोल बोल, कुछ तो भी कुछ करो बाबा, एक आप ही हमारा सहारा, कुछ करिए बाबा। बाबा हम आपके आगे हाथ जोड़ते बाबा। जी बाबा, बाबा जी। कुछ करिए हमारे लिए बाबा जी, प्लीज प्लीज बाबा जी, प्लीज बाबा, आप एक ही सहारा, हमारा आखिरी सहारा, आप ही सहारा। अगर आप भी हमारी मदद नहीं करेंगे तो कैसा होगा बाबा जी? कौन करेगा मदद हमारी? ठीक है, तुमसे बलि देने नहीं होती है तो तुम्हें 3 दिन की तपस्या करनी होगी, और उस 3 दिन की तपस्या का खर्चा तुम्हें देना होगा। 4th दिन तुमको तुम्हारा सोना मिल जाएगा। अगर तपस्या तुम्हें करनी है तो 3 दिन तुम्हें पैसा लगाना होगा। अगर तपस्या करनी है तो रुको, यहाँ से दबाओ, जाओ दबाओ, चंपो तुमको बाबा ने कहा ना जाने के लिए, जाओ। ठीक है बाबा, हम लोग पैसे ले लेके आते, लेकिन हमारा काम हो जाएगा ना? तुम लोगों को मुझ पर शक हो रहा है? नहीं बाबा जी, नहीं, मुझ पर शक, मेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है, मेरे लिए हर चीज संभव है। जी बाबा जी, मैं अघूरी हूँ, अघूरी भस्म कर दूंगा तुझे मूर्ख बालक। नहीं, दबाओ यहाँ से, दबाओ। ठीक है बाबा, आप तपस्या की तैयारी करो, हम पैसे लेके आते। चल चल निकल निकल चल बाबा। ए रुको, क्या हो रही? तूने बोलने को बोल दिया क्या? तपस्या तैयारी करो। हाँ, अब पैसे लेंगे कहाँ से? अरे आओ तो रे भाई साहब, एक काम करेंगे, मेरा दोस्त है ना अल्ताफ, हाँ उसकी मदद लेंगे अपन, अल्ताफ की क्या बता? अल्ताफ ये नेक काम दे रही नहीं, कॉल करता हूँ। हाँ बोल ना। हाँ एक मिनट होल्ड पे रुक, अभी देखो कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ अल्ताफ, मैं हारून बात कर रहा हूँ। हाँ बोल। अरे भाई वो मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी, वो कुछ पैसे होना रे भाई। हाँ तू तो बोल रहा था ना कि दर्द दिल सिर्फ दिलदार को सुनाया जाता है, सच्चे दोस्त को जाके मांग, उसी को मांग, उस तेरे सच्चे दोस्त को पैसे। चल अभी रख, अभी टाइम खोटी मत कर, चल देता बोला। इंसल्ट कर दे रे बेटा। भाई साहब। हाँ हेलो। हाँ मैं तुझे पैसे तो देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तेरा काम कर सकता हूँ। कल जावी चिंगारी के पॉइंट पे आ जा,
तेरा काम करा देंगे जावी चिंगारी से। हो सकता है वो तुझे पैसे दे दे। अरे उन्हें बड़ा मदद तो कर नहीं सकता, मदद दिलाता बोल रहा मगर उन्हें जावी चिंगारी के पास जाओ बोल रहा है, पैसे मिल जाते बोल रहा। कैसा करना जावी चिंगारी? हाँ फाइनेंसर है रे, बस मत कहो। चल भाई सोना तो मिला अपने वैसा ही, डर लग रहा मगर मेरे मैं तो कर रहा हूँ। सुबह हम जाएंगे क्या बोलता? ठीक है। हाँ और यार पठान, पिछले बारी बात नहीं हुई, पिछली बारी को मैं थोड़ा हाइपर था रे, इसलिए बात नहीं हो पाई। बोलना क्या बात, बोलना क्या है? ठीक है मैं आज तेरे को शाम में मिलता। वो मेरा नाम हारू दवाई परी और ये मेरा दोस्त इमरान अंसारी। सलाम भाई। सलाम। तुम लोगों का नाम जानकर क्या तुम्हारा स्वागत करूं, ढोल ताशे लगाऊं? नहीं भाई, वो भाई वो हमको पैसे चाहिए थे। ना चाहिए रे तुझे? पचास हजार भी ठीक है साला, पैसे मिल जाएगा पर तू गिरवी क्या रखेगा? भाई ये मोबाइल फोन रख दो भाई आपके पास हमारे। मेरे को क्या छुटिया समझा है? मैं यहाँ पर गोटियां खेलने नहीं आया। जावेद चिंगारी नाम है, अगर पैसा चाहिए तो कोई तगड़ी चीज लेके आ, वरना फोट निकल यहाँ से। फोट ठीक है भाई, हम लेके आते भाई कुछ तो भी लेके आते कुछ तो। क्या रे इमरान, वो जावी चिंगारी के पास तो चल गए थे अपन, काम भी बन जा रहा, लेकिन गिरवी क्या रखना रे? समझ नहीं आ रहा कहां से पैसे लाना है।
कोई बड़ा दोस्त भी नहीं है, साला पैसा मांगने उसको बोले आओ यार। ना अपने पास जमीन है बाप दादाओं की। समझ में नहीं आ रहा मेरी भैया, ऐसा करना था। अमीर तो बनना है वो। अदिल काम करेगा क्या अपना? अदिल मुश्किल है बाप। कॉल करके देख उसको, उसको बोल थोड़े पैसों की जरूरत है वरना। बंद ही कर रहा ना यार। ये कब का महंगा रे साला, एंड टाइम फोन बंद कर रहा है। रुकना मोबाइल का ही को रखा अंदर, दो मिनट रुक जरा, दिमाग लगा निकल मोबाइल। यार दिमाग भी काम नहीं कर रहा। जुबैर को देख कॉल कर। वेज दिखा रहा है इसका। लगा लगा, फिर से लगा, फिर से लगा। जा 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 यार, भेज जा भेज। कट कर दिया, कट कर दिया। हां लगा था फोन। बंद दिख रहा। अरे मेरे बाप रे, ऐसा रे तेरे दोस्त है वो? काहे के तेरे दोस्त था? बोल बोल ना, मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त था, ले अब तेरे दोस्त था। अबे तेरे दोस्त है, तूने मिलाया था मेरे को उनको, बचपन दोस्त है तेरे, उन्होंने देख के तेरे दोस्त है यार। फोन बोलता है वहां जाएंगे पार्टी करेंगे, हां पार्टी करेंगे, पार्टी ले अब दोस्त था तेरे तेरे टाइम पे। वो बोला बोला, लेकिन दोस्त मेरे ना तेरे दोस्त ऐसे दोस्त फेंक के दोस्त तेरे थे, तेरे दोस्त थे वो, तेरे थे। एक काम करेंगे दोस्तों, रहने साइड में अपना अपना देगा क्या है तो क्या देखेंगे ना। लाला है, लाला था एक अच्छा, वो तो कैसा पैसा देता था, उससे 36 का आंकड़ा ले लिया अपन ने। तूने करा वो किसके वास्ते करा? हाँ यार मजदूर वास्ते करा। दोस्त हाथ दे दिए, लाला है, लाला को अपन ने हाथ दे दिए, तीन दिन देना कैसा पैसा कोई रास्ता नहीं, गया अमीर बनने का रास्ता कुछ नहीं अपने पास, गया अमीर बनने का सपना अपना, फिर से वही काम अपना। हाट रे आ गया मैं, क्या है पे भाई चाबी गिर थे तो उठाना फिर क्या? पुष्पा फिल्म देख के आएगा तूने? झुकूंगा नहीं बोल रहा क्या देख के? अरे अरे मैं ही उठ रहा, चाबी तेरी, चाबी तेरी, सब तेरा। क्या तू देख के आया क्या पुष्पा फिल्म? जितना गरम तू है ना उससे कहीं ज्यादा मैं हूँ क्या? क्या देख रहा है? ए अरे क्या देख रहा है? अरे घोड़ा क्या देख रहा है? अरे मुँह मेरे घर के लोग आ तीन चार दिन के वास्ते बाहर गए वाले रे। आओ एक काम करेगी मैं अपन, मेरे पास मेरे घर के डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट अपन वो जावेद चिंगारी के पास गिरवी रख देंगे रे, और फिर उसके पास पैसे लेके वहाँ घोड़े को दे देंगे। देख अपना काम बन जाता, देख ऐसे से क्या बोलता? अरे क्या बात कर रहे यार भाई, घर वाले क्या करेंगे हाल। तीन दिन में उन्होंने वापिस आ जा रहे, तीन दिन में अपना काम हो जा रहा, और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। अरे नहीं रे भाई क्या बात कर रहा है, अभी तीन दिन की तो बात है, तीन दिन में अपना काम भी हो जा रहा, मेरे घर वाले भी आ जा रहे, डॉक्यूमेंट रख दिए मैं अपन गिरवी, क्या बोलता? चल फिर इस बात पे एक काम कर, चल
क्या रे, तुम लोगों को भाई ने मना किया नहीं इधर आने के लिए? मरना है क्या? हाँ मरना है क्या? चलो भागो यहाँ से, मरना है क्या? हाँ भाई वो मेरे घर के डॉक्यूमेंट लाए भाई मैंने गिरवी रखने के लिए। डॉक्यूमेंट? हाँ भाई ठीक है भाई। तू तो बहुत फास्ट निकला। ये ना बात आप बोल कितना पैसा चाहिए भाई? 50,000 चाहिए। छोटे हाँ भाई इसके हाथ में दे दे। क्या भाई क्या भाई पैसा रे लाला सेठ मुझे इस पैसे का बहुत कम है लाला सेठ। लाला और कुछ दिन रुक जाओ, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लाला सेठ और कुछ दिन की मोहलत दो मुझे, मैं आपके सारे पैसे दूंगा भाई। तीन दिन बोला था तुझे। लाला है मेरा नाम मालूम है ना? पर लाला सेठ मेरी बातों सुनो, लाला सेठ मुझे मेरे पैसे लौटा दो। मेरे पैसे लौटा दो, मैं आपके पूरे पैसे और दो दिन में दे दूंगा भाई। लाला सेठ मेरी बात तो सुनो। लाला सेठ अबे क्या है ये, पूरे पैसे ले चले गए अबे कहीं के लेगा पैसे नहीं और तूने कहीं को दिया इस बिरयानी? अरे उसके एडवांस थे ना 3 दिन के, पैसे देना था उसके। कैसा यही तो मैं तेरे को पूछना चाह रहा कि कैसा एक काम करेंगे वो जागी का फिर जाएंगे। चल क्या मैं नहीं आ रही बार उतना सारे भाई। अरे चल रहे नहीं रे भाई, एक काम करता मैं जाता उसके पास। हाँ ठीक है पैसे लेके आता उसके पास। रुक यहीं पे आओ यहीं। सलाम भाई। अब क्यों आया है रे भाई? वो कुछ कुछ और पैसे चाहिए भाई। किस लिए? और चाहिए अभी तूने ले गया था ना भाई? वो थोड़ा पैसे कम पड़ गए इसलिए फिर से आ गए। कितने चाहिए रे तुझे भाई? वो 50 और चाहिए। चलो भाई पैसे तो दे, अगर 3 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं करे तो हलक में खंजर डाल के वसूल करूंगा। ठीक भाई ठीक है भाई ठीक आता हूँ। और फिर फाइनली अरुण द वाइपर जावेद से फिर से पैसे ले लेते हैं और पहुंच जाते हैं रात में उन अघोरियों के पास।
बाबा की जय। अबे फिर से जी बाबा जी, ये वो ये पैसे ला लिए बाबा जी ने। जम्पू ये जम्पू ये बाबा आज ले दीजिए। अब हमारा काम हो जाएगा ना जम्बो? जी बाबा। तुम्हारी आज के दिन की तपस्या पूरी हो जाएगी बेटा, जाकर दो दिन की तपस्या की तैयारी करिए, जाओ। ठीक है भाई। साला एक दिन की तपस्या के पैसे दे दिए और दो दिन की देना है, आप कहां से देना? जो डॉक्यूमेंट है वो तो मैंने गिरवी रख दिया, आप कहां से देंगे रे भाई? समझ नहीं आ रहा मेरे। अबे खबीज के बच्चे क्या मार के डालता क्या यार? अबे खबीज बच्चे बड़ा तो डराया यार मैंने। साले एक तो पहले सर्दी के दिन ऊपर से ठंडे पानी में रख ला। अभी दादी खान डरा था भी मेरी। वो जानते रहे एक दिन की तपस्या के पैसे दे दिए पुण्य और दो दिन के देना है, कहां से देंगे रे? समझ नहीं आ रहा मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे में भी। एक मिनट पंचो आंखें बंद कर। आंखें बंद करूं? आंख बंद कर। कहीं पूरे यार तेरे सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? अभी पानी में ढकला, अब क्या करता रे? नहीं यार तू बंद तो कर सकता है, करूं ना? हां कर। पक्का? हां पक्का। कुछ करेगा नहीं ना? नहीं नहीं कुछ नहीं कर। हां चल ले कर दे, चल कर ना। हां सही बोल, सही बोल तो रे। खोलूंगा एक बार, उठ खोल खोलूं तो। ये क्या है? मेरे घर के पेपर है वो। तेरे घर के पेपर? हाँ। क्या लाया? सोना नहीं हो ना, गिरवी रखने का लाया। गिरवी रखता? हाँ। नको रे, तूने तेरे पेपर रखा क्या? मेरा पर्स नहीं बनता क्या? सोना खाली एक भी होना क्या? सोना मेरे को भी होना। पर तूने लाया का सारे? ठीक है, एक काम कर, जावेद के पास जा, पेपर रख, पैसे दे। क्या मैंने तू कहीं को बोला तो मेरे को देख के घटा जाएगा क्या? बोलता जा तू पैसे लेके छापे जाएगी क्या बात है? पैसे घर में कोई नहीं है, ये देख इमरान अंसारी मौके का फायदा उठाते हैं और डॉक्यूमेंट लेके चल पड़ते हैं जावेद छिंगारी के पास। और इमरान अंसारी वहां पहुंचने के बाद जावेद से बात करते हैं, जावेद डॉक्यूमेंट चेक करता है और इमरान अंसारी को पैसे दे देता है। पर इस बार जावेद छिंगारी ना तो इमरान से कुछ सवाल करता है ना कुछ पूछता है, बिना पूछे उसे जितने चाहे पैसे देता है। आखिर क्या रास्ता है इसके पीछे, ये तो जावेद ही जानता है। और फिर पैसे मिल जाने के बाद हारून द वाइपर और इमरान अंसारी पहुँच जाते हैं उन अघोरिया के पास जिन्हें
तपस्या के पैसे देने थे, और फिर वह घोरी हारून द वाइपर से इमरान अंसारी पैसे ले लेते हैं। पैसे लेने के बाद उन्हें वहाँ से दफा हो जाने को कहते हैं। 2 दिन की तपस्या पूरी हो जाती है। अब वक्त है 3रे दिन का, तो 3रे दिन भी किसी तरह से हारून द वाइपर और इमरान अंसारी पैसे ले आते हैं और उन बाबाओं को दे देते हैं। फिर से साधु बाबा पैसे ले लेते हैं। पैसे ले लेने के बाद से वहाँ से उन्हें दफा कर देते हैं। और अब वक्त आता है उस घड़ी का जिस घड़ी का इन दोनों को इंतज़ार था। जी हाँ, मतलब कि 4था दिन, जिस दिन इन्हें सोना मिलने वाला है। आज ही के दिन इन्हें सोना मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कब से आ रहा है इन्हें अकेले के भगत क्या? 4था दिन आज का। चाय दे भाई। चाय दे। हाँ चाय दे। कहाँ गए इन्हें? फोन लगा दे। आज का 4था दिन निकल गया। सोना लेके आना है घर से पूरा। मोबाइल कौन दिखा रहा? फिर से लगा। अरे फिर से कौन दिखा रहा? ताल में कुछ तो काला दिख रहा बाप। जा तू, मैं भी देख। तू चल, मैं जल्दी सोना ले लूंगा। उन्हें अरे रुको, कहाँ जा रहे? पैसे दो ना, कहाँ जा रहे तुम? पैसे कर ले लेना। अरे पहले के 200 बाकी, पहले के 200 बाकी कहाँ जा रहे? बिंदे के जाओ। ऐसा कैसा चल रहा तुम्हारा भाई? कर लेना। ये कौन सी बात है यार भाई? धंधा लेके बैठा गरीब आदमी है यार भाई। ऐसा नहीं चलता यार भाई तुम्हारा। कर लेना। अरे मेरे को माल वाले को देना नहीं पड़ता। हवा में आप क्यों झगड़े कर रहे हैं? अरे गौस भाई क्या बताना तुम्हारा, 20 रुपए की चाय पिए पहले के 200 भाई उनको मैं दे रहा हूँ। पैसे मेरा धंधा है ना यार, मैं गरीब आदमी हूँ यार। ऐसा क्यों कर? पैसे का तुम कल मिलेंगे पैसे। अरे आज कहीं रुको तुम। तुम्हारा क्या, तुम्हारा होटल खरीदे तू कल? अरे वाह रे वाह सर, मेरे को खरीदता। चलो निकलो यहाँ से चिंदी छोर। तू यार पैसे नहीं दे रहे साले। अरे क्या चल रहा? क्या चल रहा? यार चल रहा गया भाड़ में, वही मेरे कटिंग दाढ़ी के पैसे दो पहले। अरे दे दे तो यार, हो आज का दिन को कल तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और साथ में महीने भर के एडवांस भी दे देता हूँ, समझे ना? मेरा फोन बताओ, तुम्हारे कॉल करता हूँ। को भाई फोन, वो इमरान कॉल करने का जी, मेरा मोबाइल में आउटगोइंग बंद हो गई। जल्दी तो सुबह से फोन कर रहा हूँ। किधर है मु? अबे तू कहाँ था सबसे पहले बोल मेरे को। अरे भाई मेरे मोबाइल की आउटगोइंग बंद हो गई रे भाई, नैनो का मोबाइल से कॉल कर रहा तेरे को मैंने। अरे यार क्या चकमा रहा है तू सबसे पहले बोल मेरे कहाँ है तू बोल। ठीक है आ जाने सर का, उनके दुकान के पास हूँ मैं। नैनो दुकान आओ रो भाई। अरे कहाँ पे भी रे भाई तू? तेरा मोबाइल बंद कर, सब बंद कर, तेरा कहाँ है तू? अरे मोबाइल ऑफ था रे भाई, अब भी चालू करा और कॉल बैक करेंगे बोले तेरे को, तो आउटगोइंग बंद हो गई मेरी। नैनो का मोबाइल से कॉल करा तेरे को मैंने। जिसको तो मस्तरी कर रहा हूँ, चाय वाले ने मस्तरी कर दिया मेरी। चाय वाले ने मस्तरी करा? चाय वाले मस्तरी करा यार। तो साले की एक काम कर, 4था दिन है आज का, हो सोना मिलने वाला है। फैला लाया ना? फैला बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। देख सोना मिलते कि पहले वो चाय वाले खरीदे साले को, क्या बोलता? चल सोना लिए पहले। चल चल बाबा, हम दोनों आ गए। किधर है हमारा सोना? हम दोनों, हम तीनों, तीनों एक दो तीन। क्या बात है, पूरी तैयारी से आ गया दोस्त। क्या बात है, थैले में भर के लाना यार। किधर गए रे ये? बाबा गए? अरे यहां था ना सिन्नत का बच्चा बैठा ला। अरे बाप रे,
तरफ देख रहे। बाबा गया। अरे मेरे बाप रे। सही बोलते रहे घर के लोग, ऐसे बातों को यकीन नहीं करना बोल के। मेरे को बोल दे रहे वो इस काम पे जा रहे भाई। तेरे नाथ को लग के मैंने मेरे घर के डॉक्यूमेंट दे रहे भाई। भाई के मेरे नाथ को फायदा दोनों का था। अपने कहीं का फायदा रे? तू जा रहा था ना मेरे पास शॉर्ट अमीर बनना बोल के। ले अमीर अब अरे मेरे बाप पेपर। क्या भाई इसको ए? उठ बाबा जी। सोना भाई के पास क्या बाबा भाई? बाबा को कुछ नहीं, बाबा गए। मेरे बेपरा मेरे को घर पे नहीं आने थे। तेरे भाई सोया सा भी। अबे तेरे बेपरा गए तो मेरा क्या गया? मेरा भी तो बेपरा गया ना। ओ यार अरे मेरे पापा कैसा करना बाबा। फोन आ रहा है अभी मेरी अम्मी का फोन आया। अब क्या बोलूं इनको बात है गुलाम। हेलो हाँ ठीक है अब क्या हुआ? मेरे अम्मी आ रहे थे मेरे को फोन आया। किसका है? मेरे अम्मी का फोन है। क्या बोल रहे थे? मैं नहीं बात कर रहा हूँ भाई। अरे कर रहे नहीं। हेलो अम्मी। हाँ आ रहा अभी। हाँ आ जाऊँ अभी। हाँ हाँ क्या बोल रहे? खाना खाने वास्ते बुला रहे हैं। क्या हुआ आप क्या हुआ रे? अरे बोल रहे जावेद का फोन आया रे। उठा। हेलो ए वाइपर मैंने दी हुई मालत पूरी हो गई। 3 दिन पूरे हो गए। ठीक है जाइए मैं आपको कल आके मिलता आपको पॉइंट पे। ठीक है हो क्या पैसे के बारे में बोल रहे? 3 दिन हो गए ना उसके। अरे फोन आया रे। क्या फोन आ रहा टाइम पे? देखो किसका है? क्या हुआ रे? अरे उसका फोन आया रे। किसका? हेलो हाँ सर इमरान कल मेरे फैक्ट्री पे आ जा जरूरी बात कर। हाँ सर हाँ आ जाओ। ठीक है क्या बोल रहे? अरे बुधारा पॉइंट पे हो क्या रे इमरान? खाली पी लिया अपने बाबा में भरोसा कर लिया रे भाई। हाँ यार कुछ सोचे भी ना घरों के डॉक्यूमेंट डाल दिए मैं उसके पास। अब कहां से फेड़ेंगे रे पैसे उसके? कुछ भी कर यार भाई। पहले एक काम करेंगे उसके पास जाएंगे कल। एक काम कर तू तेरा जा मैं मेरा जाता हूँ। उसको बात कर उसको भी पटाएंगे रे भाई। ये बस सही हो ना भाई। हाँ क्या करता थैला वो? मिल गया सोना चलता अभी अभी भी आशे सोना मिल नहीं सोना मिलता। उस्मान किधर? पता नहीं कुछ काम से जा रहा था वो बाहर। सलाम भाई। एक बुरी खबर, उस्मान ने अजय को ठोक दिया और साथ में उसे घर वाले गेम भी बजा दिया। अरे यार ये उस्मान बिना मुझसे बिना पूछे कुछ भी कर लेता है। अल्ताफ जा मैं आता हूँ।
सलाम भाई। क्या रे छोकरे, तूने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिया, मैंने तुझे पैसा दिया, मैंने तुझे 3 दिन की मोहलत दी, पर साला तूने मुझे पैसा नहीं दिया। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो बात ये है, 15 तारीख को मैंने तुझे पैसे दिया था, वो भी 3 दिन की मोहलत पर। आज 19 तारीख है, इसका मतलब एक दिन बढ़ गया, इसका मतलब ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, और जो भी मेरे उसूलों के खिलाफ जाने की सोचता है अपन उसको ठोकता है। पर भाई मेरी बात तो सुनो, बात ये है कि रुक अब्बक, मैं आपको बताता हूँ भाई, बात ये है कि मैं और मेरा दोस्त इमरान हम दोनों चाय पीने गए थे भाई, चाय के बंडी पे हमने एक आदमी को कॉल पे बात करता हुआ सुने भाई। अरे शान बाबू, तुम्हारे को मालूम हो गया जंगली गगन पर सोना है का देश? हाँ वो सोना बहुत है वहाँ पे, वो निकालने के लिए 2 भातों लग रहे थे और साथ में अघोरी की मदद लग रही है। फिर ये सुनकर मैं और इमरान उस जंगली खदान के पास पहुंचे भाई, वहां पहुंचकर फिर शाम में हम लोग उन अघोरियों के पास भी पहुंचे भाई, जिन्होंने हमें कहा कि तुम्हारा सोना तुमको मिल जाएगा लेकिन जिसके लिए 3 दिन की तपस्या करनी पड़ेगी और उसका खर्च तुम्हें हमको देना पड़ेगा। ये सुनकर हमने तपस्या की तैयारी शुरू करने को कहा भाई और आपसे कर्ज लेकर उन्हें दे दिया, लेकिन 4th दिन सोना मिलने वाला था भाई। 4th दिन हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग भागे थे भाई, हमारे पैसे लेके भागे भाई। भाई जावेद भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरे डॉक्यूमेंट मुझे वापस दे दो भाई, मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे करके लौटा दूंगा भाई। जब तक मैं आपके पैसे नहीं देता भाई तब तक मैं आपके घर का नौकर बन जाऊंगा भाई, आपके जूते साफ करूंगा भाई। भाई भाई जावेद भाई, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट वापस दे दो, आपके धीरे धीरे करके सारे पैसे दे दूंगा भाई, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट वापस दे दो प्लीज। जावेद भाई मुझे मेरे डॉक्यूमेंट दे दो भाई। अबे साले चल फूट यहां से, अगर मेरा भेजा हटा तो तेरा भेजा फटेगा, चल भाग यहां से। चल ठीक है, तेरे को तेरे डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। शुक्रिया भाई, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त भाई? मुझे तेरे दोस्त इमरान की जान चाहिए। क्या? वही जो तू सुन रहा है। भाई ऐसा अन्याय मत करो भाई, चल पैसों के लिए इतना बुरा काम भाई। बहुत हो गया, अगर तुझे तेरे डॉक्यूमेंट चाहिए तो अपने दोस्त इमरान की लाश मेरे पुरानी हवेली पर लेकर आ और तेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जा, मैं तेरा इंतजार करूँगा, और साथ में कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी है तेरे लिए, ज्यादा सोच मत, ला ले, मैं तेरा इंतजार करूँगा वहाँ। चलो रे भाई। जावेद भाई
मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। तो इसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाला, चेक कर ले। ठीक है भाई। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मेरी दी हुई मोहलत पर पैसे नहीं लौटा सकता। मेरे पास तेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर तुझे तेरे डॉक्यूमेंट चाहिए तो तेरे दोस्त हारून को मरना होगा, वरना डॉक्यूमेंट खुल जा। डॉक्यूमेंट या तेरे दोस्त की जान, फैसला तेरे हाथ में। अगर तुझे तेरे डॉक्यूमेंट चाहिए तो अपने दोस्त इमरान की लाश मेरी पुरानी हवेली पर लेकर आ, तेरे डॉक्यूमेंट लेकर लेकर मैं तेरा इंतजार करूँ। अगर तुझे तेरे डॉक्यूमेंट चाहिए तो अपने दोस्त इमरान की लाश मेरी पुरानी हवेली पर लेकर आ, तेरे डॉक्यूमेंट लेकर हेलो इमरान, किधर है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। कहना तो मुझे भी तुझसे कुछ है इमरान। मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या? मुझे तेरी जान चाहिए। कहना तो मैं भी तुझसे ही चाहता था कि मुझे भी तेरी जान चाहिए। तेरा मरना बहुत जरूरी है। जितना मेरा मरना तेरे लिए जरूरी नहीं इमरान, उससे कहीं ज्यादा तेरा मरना मेरे लिए जरूरी है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी है। ये वक्त नहीं, मैं बताऊंगा।
अनवर दिखाई दिया तो नहीं आया भाई। साला ये भी मरेगा जावेद के हाथ से। कह नहीं सकते, जावेद का दिमाग थोड़ा अलग है। जावेद कुछ भी कर सकता है। मारना पड़ेगा जावेद के दिमाग को। वो क्यों रे? दोस्त के हाथ से दोस्त को मरवा दिया। मतलब किसको मरवा दिया? वाइपर है ना, उसके हाथ से इमरान को मरवा दिया। क्या पर क्या से इमरान को मरवा दिया? अरे हाँ रे, वही रे। क्यों पर? तू तो उसका हाथ बटन है ना यार, हमार को कहाँ चूचा घुमा रहा? देखो तो सभी मालूम होगा ना यार। चल रे बात। ए ए, मगर हुआ क्या ये तो बताओ। जावेद ने ऐसा क्यों किया? अगर ये बात सच है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पर क्या से इमरान को मरवा दिया? पर क्यों? ये जावेद ने मुझसे क्यों छुपाया ये सब? मुझे जाके देखना पड़ेगा।
ले जावेद, जैसा तू चाहता था वैसा हो गया। तूने जो कहा था वो मैंने कर दिया। अब मेरे डॉक्यूमेंट मुझे दे दे भाई। वाह मेरे शेर वाह। उस्मान दे दे उसको। जल्दी भी क्या है। तुझे याद है मैंने तुझे कहा था तेरे लिए और एक दो सरप्राइज है। भस्म कर दूंगा तुझे। क्या रे क्या घूर रहा है? ये कोई अघोरी वघोरी नहीं थे, ये मेरे आदमी थे। और उस दिन जो बंदा था ना होटल में वो भी मेरा आदमी था बेटे। ये सोना ये खदान ये सब मेरा प्लान है। समझ में आया तेरे को? मेरा नाम है लाला, वो लाला जिसने अच्छे अच्छे दुश्मनों को लंगा कर डाला। क्यों किया तूने ऐसा? अगर तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी तो तू मुझे मार देता। मेरे दोस्त को क्यों मरवाया तूने? वो इसलिए, मैं तुझे मारना तो चाहता था लेकिन तड़पा के नहीं, तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। और लाला तेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ। ठीक है मेरे पट्टे, चल ये ले पैसा ले। बोला था ना मेरे से पंगा बोले तो बहुत ही महंगा रे लाला। क्या
जिंदा नहीं छोड़ा लाला, तुम मर चले। बोले तो बहुत ही महंगा। जावेद बस जावेद टाइम वेस्ट मत कर, ठोक साले को। ये ले जावेद भाई, ये मौका मिल गया तो मैं ठोक देता हूँ साले को। उठ बे, अरे उठ, जल्दी उठ। रुक जाने तो ठोक दूंगा। अरुण, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, और ये खून, और ये इमरान को क्या हो गया? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ बोलेगा तू मुझे? हाँ, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया भाई? हाँ साले, तू तो इसका खास बटन था ना, क्यों मेरे हाथ में गन देख के बोलती बंद हो गई? नहीं मेरे भाई, क्रिकेट की तरह रंग बदला है। तुझसे बाद में निपटता, पहले इनको देखता हूं। साले तूने मेरा गेम बचाना, अब मैं तुम लोगों का गेम बचाता हूं। शेयरिंग करा तो खोपड़ी खोदूंगा। ये लेगन ठोक उस्मान को, ठोक। गन फेंक। क्यों तकलीफ हो रही है? बदला लेना है? ये ले, ठोक इसको। होशियारी करेगा खोपड़ी पे गोली खाएगा। ठोक लूंगा लाला, मेरा भाई गया लाला। नहीं जावेद, तुझे मरना पड़ेगा लाला। देख मरना पड़ेगा, ठोक। अरुण नहीं, अरुण नहीं, मेरा गेम बचेगा, मेरा गेम बिछाओगे? नहीं, हट।
दोस्त। अरुण मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। मुझे पता नहीं था कि लोग तेरा गेम बिछाएंगे, वरना मैं इमरान को मरने नहीं देता। चुप साले, झूठ बोलता है तू। मौत को सामने देख के रंग बदलता है। नहीं मेरे भाई, तू मुझे भी मार दे, लेकिन मेरे मरने से पहले सच्चाई जान ले। मुझे पता नहीं था भाई कि ये लोग तेरा गेम बिछाएंगे, वरना मैं इमरान को मरने नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे भी मार दे, लेकिन मेरे मरने से पहले ये सच्चाई जान ले कि मैं बेगुनाह हूँ। मुझे पता नहीं था ये सब, वरना मैं ये सब होने नहीं देता। इमरान, इमरान को मरवा दिया मेरे हाथ से। दुश्मनी मेरे से थी, सजा इमरान को मिली। सोने को पाने की लालच हम दोनों ने की, सजा इमरान को मिली। पर मैं तो अभी जिंदा हूं। मैं यहां क्या कर रहा हूं? मरना तो मुझे पड़ेगा। ये ले, सजा का हकदार मैं भी हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खुद पर गोली चलाऊं। ले ठोक दे मुझे, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। ठोक मुझे। गेम तो तेरा मैंने भी चाया था हरुण। ना मैं तुझे जावेद का पता बोलता, ना इमरान मरता, और ना तेरी ऐसी हालत। जंगली खतान, सोना, अघोरी, सोना।
सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। कौन था ये पागल, क्या थी ये जंगली खदान, क्या था ये सोना, कौन था ये इमरान, हो क्या रहा था ये, चल क्या रहा था ये। उम्मीद है इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हुए और इस फिल्म का नाम लालच क्यों है इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा फिल्म देखने के बाद। लालच बहुत बुरी बला है, इस फिल्म से हमको ये सबक मिलता है। हारून द वाइपर, इमरान अंसारी दोनों ने लालच की शॉर्टकट अमीर बनने की, सोने को पाने की, और बेचारों का अंजाम आप लोगों ने देख लिया।